पूर्वी दिल्ली के साइबर थाना पुलिस की टीम ने मोबाइल टावर लगाने के नाम पर चीटिंग करने वाले शख्स को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपित इतना शातिर है कि वो चीटिंग का पैसा भिखारी के अकाउंट में मंगवाता ताकि किसी को शक ना हो। डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान पंजाब के संगरूर निवासी बिंदर कुमार के तौर पर की गई है। डीसीपी ने बताया कि गंगा चरण शर्मा ने साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने गैलेक्सी टावर एंटरप्राइजेस के बारे में एक अखबार में विज्ञापन पढ़ा था, जिसमें उन्होंने मोबाइल टावर लगवाने का दावा किया था। विज्ञापन में दिए गए मोबाइल नंबर पर जब संपर्क किया तो उन्होंने उसे अपने स्थान पर टावर होने के फायदे बताकर लालच दिया। शिकायतकर्ता ने उनकी शर्तों पर सहमति व्यक्त की और टावर स्थापित करने के लिए शुल्क के रूप में 4,62,450 रुपए की राशि दिए गए अकाउंट नंबर पर स्थानांतरित कर दी। शिकायतकर्ता को धोखाधड़ी के बारे में तब पता चला जब जालसाज पर अधिक से अधिक पैसे मांगते रहे। शिकायतकर्ता ने संदेह जताते हुए आगे भुगतान करने से इनकार कर दिया और पीएस साइबर में शिकायत दर्ज कराई। इस संबंध में मामला दर्ज कर एसआई तलविंदर सिंह ने जांच की। जांच के दौरान बैंक खाते और अन्य प्रासंगिक जानकारी का विवरण प्राप्त किया गया और पाया गया कि बैंक खाते के साथ साथ कथित मोबाइल नंबर एक कुलदीप कुमार का है, जो कि पंजाब से संबंधित था। उपलब्ध सुरागों के आधार पर एसआई तलविंदर सिंह, एएसआई आदेश और कांस्टेबल मनोज की टीम गठित कर पंजाब के संगरूर में छापेमारी की गई, जहां पर कुलदीप कुमार का पता लगाया गया, जो कि एक भिखारी था। पूछताछ के दौरान उसने एक आरोपी के बारे में खुलासा किया, जिसका नाम है बिंदर कुमार, जो कि अर्जन देव कॉलोनी सुनाम संगरूर पंजाब का रहने वाला है। पुलिस की टीम ने बताए हुए घर पर छापा मार कर बिंदर कुमार को पकड़ लिया। उनके घर की तलाशी लेने पर एक लैपटॉप, 4 मोबाइल फ़ोन, 4 सिम कार्ड, 1 पासबुक और 1 ATM कार्ड बरामद किया गया। बिंदर से इस मामले में इस्तेमाल किया गया बैंक अकाउंट नंबर और सिम भी बरामद किया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि कुलदीप एक भिखारी है जो लोगों द्वारा दी गई भिक्षा पर ही जीवित रहता है। आरोपी बिंदर ने कुलदीप का बैंक खाता खुलवाया और सिम जारी करवा कर इस तरीके की धोखाधड़ी के लिए इसका इस्तेमाल किया। पूछताछ में बिंदर ने अकेले बताया कि वो इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया। उसने अपने पीड़ितों को लुभाने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए और जब कोई दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल करता तो वो इंस्टॉलेशन शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि के बहाने पैसे की मांग करता था। उसके पास से एक नोटबुक भी बरामद हुई, जिसमें फ़ोन करने वालों की प्रविष्टियां और उनसे प्राप्त धन पाया गया था। आरोपी मार्च 2022 से इस धोखाधड़ी को अंजाम दे रहा था। इस अवधि के दौरान बैंक खाते में कुल 1,90,000 रुपये जमा किए गए। बिंदर अंशकालिक टैक्सी चला रहा था और एक ऐसे व्यक्ति के साथ काम करता था जो कि इस तरीके की धोखाधड़ी में शामिल था। उस व्यक्ति ने अपना व्यवसाय स्थानांतरित कर दिया और बिंदर, जिसने तब तक व्यापार के गुण सीख लिए थे, उसने खुद इस तरीके की धोखाधड़ी करना शुरू कर दिया। अन्य पीड़ित का पता लगाने के लिए अब आगे की जाँच की जा रही है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।